स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 14, जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुकाबला जो कि वानखेड़े में खेला जा रहा है। बहुत ज्यादा इस मुकाबले का वेट हो रहा था क्योंकि वानखेड़े में जब मुंबई इंडियंस उतरेगी तब लोग ये देखना चाहते थे कि वहां पे हार्दिक पांड्या का स्वागत होगा या फिर उनको फिर से एक बार बू झेलना पड़ेगा। लेकिन हार्दिक पांड्या जब टॉस के लिए आए संजू सैमसन के साथ तो वहां पे जो प्रेजेंटर थे, वहां पे जो कमेंट्रेटर थे संजय मांजरेकर साहब, वहां पे टॉस के लिए पहुंचे और उन्होंने वेलकम किया दोनों कप्तानों का। हार्दिक पांड्या का वेलकम किया और संजू सैमसन का वेलकम किया। टॉस वहां पे हार्दिक पांड्या उछालने वाले थे लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या को इंट्रोड्यूस किया मांजरेकर साहब ने तो वहां पीछे से क्राउड में बात करें तो वहां से हार्दिक पांड्या को बू करने की आवाजें आई। तो संजय मांजरेकर साहब ने कर दिया, मतलब कर क्या दिया, उन्होंने बोल दिया एक तरीके से क्राउड को कि भाई बिहेव करिए, मतलब क्राउड को एक तरीके से उन्होंने शांत कराने की कोशिश करी। लेकिन इससे तो क्राउड नहीं मानने वाला। और इससे पहले आपको बता दें कि जब क्राउड मुंबई इंडियंस यानी कि वानखेड़े मुकाबले को देखने के लिए मैदान में पहुंच रहा था तो वहां पे जो उनके जो होर्डिंग थे, पोस्टर्स थे या फिर स्लोगन कह लीजिए, वहां पे जो स्टेडियम है उससे बाहर ही रखवा दिए गए और किसी को भी अलाउड नहीं किया गया, यानी पोस्टर्स को अलाउड नहीं किया गया, जो कि आज से पहले नहीं हुआ था कि पोस्टर्स, मतलब आप अगर रोहित का पोस्टर है, रोहित शर्मा हिटमैन, ये तमाम पोस्टर होते हैं उनको बाहर रखवा रहे हैं। इट मीन्स कि ये मुंबई इंडियंस की तरफ से हो सकता है कि ये डिसीजन लिया गया हो, क्योंकि पहले ही फैंस ने इस मुकाबले से पहले धमकी दी थी कि हम इस मुकाबले को बॉयकॉट करेंगे, फैंस नहीं आएंगे। लेकिन फैंस तो आए और स्टेडियम के बाहर भी गदर काटा, लेकिन अंदर जब उनकी एंट्री हुई तो वो जो पोस्टर थे मुंबई इंडियंस के उनको बाहर ही रखवा दिया गया। सिर्फ झंडे वहाँ पे मुंबई इंडियंस के देखने को मिले। और ये जो मांजरेकर साहब ने बिहेव एक तरीके से बोला तो वहाँ पे सोशल मीडिया पर मांजरेकर साहब की लोगों ने जमकर क्लास लगा दी और बहुत ज़्यादा उनको भी क्रिटिसाइज़ किया। यही मांजरेकर साहब है जिन्होंने जब कप्तान हार्दिक पांड्या बने थे तो उन्होंने ही बोला था कि यार रोहित शर्मा को एक साल और आप कंटिन्यू कर सकते थे, और बोला कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को हार्दिक की कैप्टनसी में खेलने में थोड़ी सी दिक्कत, परेशानी आ सकती है, थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो ये कुछ मांजरेकर साहब का बयान था। और आज उन्होंने जब टॉस के वक्त क्राउड को बोल दिया कि बिहेव करिए तो वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया मांजरेकर साहब से और उन्होंने क्लास लगा दी मांजरेकर साहब की सोशल मीडिया पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।